बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश ने उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, सारी तैयारियां जोरों पर है, बहुत जगह नामांकन भी हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उसका उसमें किसका सरकार बनेगा। और अभी इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी रोचक होगा, काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी घमासान होगा इस बार चुनाव में। और मैं इस वक्त समस्तीपुर ज़िले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहां पे हूं और कुछ जनता है, कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उनका मूड क्या है। आइए, क्या क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलवंत कुमार। बलवंत कुमार वाइस, हाँ जी। और आपके यहाँ जो चुनाव होगा उसमें बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे भी, और आपके वर्तमान में विधायक है आलोक कुमार मेहता जी, वो भी इस बार यहीं से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार आप किसको सरकार बनाना चाहेंगे, आप तेजस्वी को या फिर से नीतीश कुमार? इस बार जिस तरह राजद के पक्ष में 2015 में 80% रिजल्ट आई थी, अच्छा, यानी 101 सीट में जो है 80 सीट जीते थे, उसी तरह इस बार भी महागठबंधन जो है 80% सीट से लीड करेंगे और महागठबंधन का सरकार बनेगी। आप चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी है, रह गई शिक्षा व्यवस्था का, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर पड़ी है। तो इस वजह से हम सारे युवा लोग जो है पर पूरी दमखम के साथ जो महागठबंधन के साथ हैं, अच्छा, और इस बार महागठबंधन का सरकार बनेगा। कुछ लोग हैं, आप ये युवा हैं जो जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब ही कर रहे थे, लेकिन जब से कोरोना आया इनका जॉब खत्म होगा। आइए हम कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, बात करने का प्रयास। किसका सरकार इस बार बनाना चाहते हैं? तेजस्वी का सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों? बहुत काम खराब, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम करेंगे। तो और ये नीतीश कुमार जो ये आप काम नहीं किए? काम नहीं करता। अच्छा, नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं। अगर फिर से अगर NDA का सरकार अगर बन जाए तो? NDA तो बुरा दिया बिहार का, बुरा दिया। और बुरा स्थिति है। अच्छा, बुरा स्थिति है। और आपके क्षेत्र से फिर से आलोक कुमार मेहता दिया रहे, आलोक मेहता काम किए हैं आपके? आलोक कुमार नेता बहुत सा फंड है, यहाँ काम किया, काम हुआ है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये देख रहे हैं आलोक कुमार मेहता जी के बारे में बता रहे हैं कि काम किए हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे युवा हैं और इस बार का चुनाव जो है बहुत कुछ युवा पे निर्भर करेगा। तो आइए, युवा लोग भी हैं जो छात्र हैं और छात्र के साथ साथ कुछ बेरोजगार लोग भी हैं, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार यादव। जोर से बोलिए। विक्रम कुमार यादव। विक्रम कुमार यादव। और वैकेंसी में जिस प्रकार से देरी सरकार, बेरोजगारी दर 46% के पार है, और इस बार हम लोग ने युवा जितना भी छात्र संगठन से जुड़े व्यक्ति है सबने मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार को बदलना है और अपना युवा चेहरा जो प्रदेश कार्यालय से एक नारा आया है, अच्छा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अच्छा, उसी वाम पर हम लोग चल रहे हैं। सारे युवाओं का एक ही विकल्प है, युवा संकल्प, तेजस्वी विकल्प। कि आप इस बार तेजस्वी को वोट करेंगे, आप चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने, सरकार बने। तो ये देख रहे हैं कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। और लोग आइए, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर जी? मेरा नाम रविंदर राम। रविंदर राम जी। अच्छा रविंदर राम जी, आप इस बार जो है चुनाव जब होगा वोट किसको दीजिएगा? देखिए, परिसीमन जो बन रहा है अभी बिहार का जो हालात है, जो तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। अच्छा, और रही युवाओं की बात, युवाओं दर बदर भटक रहा है और महागठबंधन में नीतीश कुमार जी और BJP की सरकार है, युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और रही बात रोजगार की व्यवस्था, तो रोजगार सारा चौपट हो चुका है। तो आपका कहने का मतलब है कि बिहार में नीतीश के सरकार में काम नहीं हुआ? काम हुआ है, अच्छा, लेकिन उद्योग धंधा नहीं लगा, उद्योग धंधा नहीं लगा। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अच्छा, जब युवा हमारे बेरोजगार रहेंगे तो हमारे बिहार की तरक्की कभी संभव नहीं। अच्छा ठीक है, अभी जो है
आपके उजियारपुर क्षेत्र से बहुत सारे प्रतिनिधि आ रहे हैं और अभी वर्तमान में आपके आलोक कुमार मेहता जी हैं, वो भी इस बार चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। क्या आलोक मेहता जी काम किए आपके? देखिए, जुझारू नेता हैं और काम करने के इनमें जो हम झलक देख रहे हैं, काम करने में लगन है, इनमें कर्तव्य निष्ठापूर्वक ये काम करते हैं जनता के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि ये आलोक कुमार मेहता जी का क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।